नमस्कार बच्चों, आठवीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा लेसन नंबर 4 सामाजिक का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे हम। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। लेसन नंबर 4 है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो लेसन नंबर 4 के पाठ के विषय में पढ़ेंगे, तो आप भी अपनी जो किताबें हैं आपके पास उस किताब से इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे, पढ़ करके पूरे लेसन को फिर समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपकी करवा रहा हूँ, उनको ध्यान से पढ़ना समझना ताकि आप इसको समझ सके पाठ को, और आप भी अपनी किताब से अच्छी प्रकार से हर विषय को जानकारी है वो प्राप्त करें। तो पाठ हमारा लेसन नंबर 4 एट क्लास के लिए आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पाठ है। तो इस पाठ को हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पाठ हमारा है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पाठ हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाठ क्या है? आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा बिरसा मुंडा एक जनजाति समूह से संबंध रखते। बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है कि बिरसा मुंडा कौन थे। तो बिरसा मुंडा एक जनजाति समूह से संबंध रखते थे। बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजाति समूह से संबंध रखते थे। यह जनजाति समूह छोटा नागपुर में रहता है। जनजाति समूह कहाँ पर रहता है? ये छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर जो का क्षेत्र है, उस नागपुर क्षेत्र में एक जनजाति समूह है, जंगलों में रहने वाले लोग हैं। वहाँ पर बिरसा मुंडा नाम का एक कोई व्यक्ति था और वहाँ के लोग इसको भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान के नाम से, भगवान के रूप में इसको पालते हैं। इसका जन्म हुआ था 1870 के दशक में। कब हुआ था? 1870 के मध्य में। और उसके पिता बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन कहाँ? भेड़ बकरियाँ चराने में गुजरा था। वो भेड़ बकरियाँ चराता था और बांसुरी बजाता था, स्थानीय अखाड़ों में नाचना गाना, और उसको अपना समय व्यतीत करते थे। उन्होंने बिरसा आंदोलन किया और 1900 में हेजे से बिरसा की मृत्यु भी हो गई थी। ये बिरसा मुंडा के बारे में था। तो बिरसा मुंडा कौन थे भाई? बिरसा मुंडा एक जनजाति समूह से संबंध रखते थे और ये जो समूह है वो छोटा नागपुर के अंदर था। 1870 के दशक में इसका जन्म हुआ था और इसके पिता बहुत गरीब व्यक्ति थे और भेड़ बकरियाँ चराने में व्यस्त रहते थे। ये बांसुरी बजाते थे, अखाड़े में नाचना गाना, इस प्रकार के जो कार्य करते थे। और फिर उन्हें बिरसा आंदोलन चलाया और 1900 में हिज्जे के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कुछ झूम खेती करते थे। भी आदिवासी लोग थे, वो क्या करते? कुछ झूम खेती। झूम खेती का मतलब समझते हैं क्या होता है? अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करने का मतलब क्या है? एक वर्ष यहाँ खेती की, उसको फिर खाली छोड़ दिया, ज़मीन को छोड़ दिया, वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करने लगी, तो इसको बोलते थे झूम खेती। और उसे क्या कहते हैं? घुमंतू खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घुमंतू खेती भी कहते हैं। अगला है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ शिकारी में जो आदिवासी लोगों की बात हो रही है भाई, कुछ शिकारी भी थे, कुछ संग्राहक ग्राहक भी थे भाई। तो बहुत सारे इलाकों में जो आदिवासी समूह पशु का शिकार करके और उन्हें उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। बहुत सारे इलाकों में जो आदिवासी लोग थे वो पशु का शिकार करते थे और वन्य जो उत्पाद थे, वन में पैदा होने वाले जो उत्पाद थे उनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपने जीवन के लिए आवश्यक मानते, वे जंगल ही उनका जीवन है। जंगल में जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं से ही उनका जीवन है वो चलता है। तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, अब उड़ीसा के जंगलों में कौन सा समुदाय रहता है? खोंड समुदाय रहता है। इसी प्रकार का समुदाय था और जो शिकारी थे और संग्राहक थे, ये समूह में शिकार के लिए निकलते थे। और समूह के अंदर एक व्यक्ति नहीं, इसे एक समूह के अंदर 15-10 व्यक्तियों का एक समूह होता था। उस समूह के अंदर वो शिकार के निकलते थे। उनका जीवन वन और वन उत्पादों पर निर्भर था। वे उनका जीवन किस पर निर्भर था?
वन और वन उत्पादकों पर निर्भर था। अगला है, कुछ जानवर भी पालते थे, भी कुछ आदिवासी समूह थे वो जानवर भी पालते थे, भी कई आदिवासी समूह जानवरों का पालन करते थे, वे अपने मवेशियों भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ चलते रहते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग एक गडरिए भी होते थे। अब ये कुल्लू के गडरिए, अब कुल्लू गद्दी जो समुदाय है कुल्लू का, वो गडरिए है, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, वहाँ के गडरिए हैं वो, इसी प्रकार के समूह के लोग माने जाते हैं। वो अपने मवेशी रखते थे, और मवेशी का मतलब पशु रखते थे, भेड़ों के रेवड़ बड़े बड़े रेवड़ होते थे इनके पास, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको चराने के लिए ले जाया करते थे। कुछ लोग एक जगह खेती भी करते थे। अब क्या कहते हैं, कुछ लोग एक जगह रहकर भी खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लग गए थे। 19वीं सदी से पहले क्या था, लोग टिक कर एक जगह खेती करने लगे थे। ये जनजाति कबीले गोंड और संथाल थे। कौन से जनजाति समूह थे ये जो एक जगह रह करके खेती करते थे, गोंड और संथाल। अंग्रेजों ने सभ्य होना, अंग्रेजों ने इनको बसाया था संथाल की पहाड़ियों में, और अंग्रेज लोग इनको सभ्य भी मानते थे, अच्छे मानते थे, क्योंकि अंग्रेजों की बात मान करके इन्होंने एक जगह गांव बसाए अपने, और एक जगह रह करके खेती करना भी आरंभ कर दिया था। वन कानून और उनके प्रभाव। आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ, आदिवासी जो लोग जंगलों में रहते थे तो उनका पूरा जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ होता था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव। अब अगर तुमने वन कानून बना दिए, आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते, वो शिकार नहीं कर सकते, वन की लकड़ियाँ नहीं काट सकते, जंगलों में अंदर नहीं जा सकते, तो वन कानून बनाने आदिवासी जीवन में पर भी बहुत भारी असर डाला इन कानूनों ने। तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। व्यापार की समस्या। अब व्यापार की समस्या उत्पन्न हो गई। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। 19वीं सदी में क्या हुआ, तो व्यापारी जो लोग थे वो जंगलों में जल्दी जल्दी आने लग गए, क्योंकि जंगल की उपज को लेने के लिए, जंगल की चीज़ों को लेने प्राप्त करने के लिए जो व्यापारी थे, खरीदार थे, वो आदिवासी लोगों के पास जाकर के उन चीज़ों को खरीदते थे। वे वन उपज खरीद कर नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। अब वो एक तो वन उपज खरीद रहे थे, उनको वो कर्जा भी दे रहे थे, और आदिवासी जो लोग फ्री होते थे, इनको काम नहीं होता था, उनको मजदूरी करने के लिए भी ले जा रहे थे, भाई तुम हमारे साथ चलो और आपको मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। वर्तमान झारखंड में स्थित हजरीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े भी पालते थे, और वर्तमान जो झारखंड क्षेत्र हमारा आज है, झारखंड राज्य हमारा है, अगर हजरीबाग का जो क्षेत्र था वो संथाल लोग वहाँ पर रहते थे, एक जगह टिक करके एक जगह खेती भी करते थे, और रेशम के कीड़े भी पालते थे जिससे रेशम निकाला जाता था। अब काम की तलाश की बात करें, तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ख़राब थी। भी काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले जो आदिवासी थे उनकी दशा तो बहुत ख़राब थी, और भी ज़्यादा ख़राब थी, और 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लग गए थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले जो आदिवासी लोग थे उनकी दशा ख़राब क्यों होगी, क्योंकि वो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते चले गए, और लोगों दास के रूप में, कुछ बंधुआ मजदूर के रूप में इनको, गिरमिटिया मजदूर के रूप में इन पर काम करवाया जाने लगा था। तो ये हमारा था लेसन नंबर 4 8 क्लास के लिए। तो पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, और पाठ को पढ़ करके इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखना, समझना जो पाठ के विभिन्न पॉइंट करवाए हैं, और इन्हीं के आधार पर हमारे जो आगे क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को भी हम पूरा करेंगे। और आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अपनी किताब से पूरा लेसन पढ़ने के बाद फिर ये वीडियो देखना, फिर आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में इनके अभ्यास के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।